ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਅਚਾਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਆਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा डोंगे विच कढ लिया, तुसीं वेख सकदे हो किन्ना सोहना लगदा पिआ। हैलो जी, की हाल चाल है तुहाडा सारिआं दा? मैनूं उम्मीद है तुसीं सारे ठीक होवोगे। अज फिर मैं एक नवी वीडियो विच नवी रैसिपी दे नाल तुहाडा सारिआं दा स्वागत करती हूँ। तो अज की वीडियो असी बनावांगे आमले ते मिर्चा का अचार। ये वास्ते कुछ मसाले चाहिए हैं, जिमें काली मिर्च, धनिया, जीरा, जवैन, सौंफ, मेथरे ते थोड़ी जी कलौंजी। तो अचार बनाने लिए एक किलो आमला ते मिर्चा मोटियां। आमले ही धो के सका ले आ, सका के ते इन्हां नूं फोक दे नाल इस तरह दे विच मोरियां कर लिया तां कि जदों इहनूं मसाले विच पाईए ते इन्हां दे विच मसाला चले जाए ते स्वाद आवे विचों मसाले दा। ये मैं तुहानूं दस्सदी पई कि इस तरह मैं मोरियां कीतियां ते असी सारे आमलियां दे विच इस तरह ये मोरियां कर लिया। ये मोटिया मिर्चा लै लिया ते इन्हां दे विच लून ते हल्दी भर ली आ तां कि जदों इहनूं अचार दे विच पाईए ते इहदे अंदर फ्लेवर आए, ते जे नमक घट है ते ओह इहदा पूरा हो जाएगा। अचार बनाउण लई पहलां इह मसाले जिहड़े आ इह सारे भुन लवांगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, इहदे विच धनिया ते जीरा पा दित्ता, इसे तरह बाकी सारे मसाले विच पा देंगे। ये मेथरे आ, ये जवैन आ, ये सौंफ है ते एक कलौंजी है। इन्हां सारिआं थोड़ा जिहा भुन लवांगे तां कि इन्हां दे विचों नमी निकल जाए। इन्हां नूं बहुता ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इन्हूं थोड़ा जिहा भुनना। भुनण दे नाल इह वधिया पीस भी जाएगा ते इहदे विचों नमी भी निकल जाएगी। मसालिआं दी खुशबू बहुत वधिया आएगी जिहदे नाल अचार जिहड़ा साडा बहुत सुआद लगेगा। आमला साडी सेहत लई बहुत वधिया। आमला कई तरह नाल बनाया जांदा, मुरब्बा भी बनांदे, चटनी भी बनदी है, इहदा जूस भी बनदा ते ये साडे सेहत वास्ते बहुत वधिया। इहदे च बड़े विटामिन हुंदे आ, वालां वास्ते बहुत वधिया, स्किन वास्ते बहुत वधिया, साडे हार्ट वास्ते भी बहुत वधिया। ते अचार ते जदों थोड़ा जिहा बनाओ, बना के खा लो, जे साल साल पूरा रखना ते उहदे वास्ते तेल बहुत ज़्यादा पाउणा पैंदा, पर मैं ये सिर्फ घर खाण वास्ते बनाउण लगी हाँ। जिहड़ा खाओ ते फिर दोबारा बनाओ, ये दो तीन महीने आमले दा सीजन रहिंदा। आमला खूब खाओ, सारे आमले का अचार बना के मुरब्बा बना के खाओ। मैं कोशिश करांगी कि अपने चैनल पर जल्दी तुहानू आमले दीआं दो तीन रैसपियां होर बना के दिखावांगी, जिहदे विच आमले की चटनी, आमले का मुरब्बा, आमले का जूस ते आमला कैंडी। मसाले दे विचों खुशबू बहुत सोहनी आती पई है ते ये चंगी तरह भुज गया। हुण इहनूं एक प्लेट विच पा के ते ठंडा करके पीस लवांगे। कढ़ाई विच तेल रख दिता, जिन्ना चिर गर्म हुंदा उन्ना चिर असीं अपना मसाला पीस लैंदे हां। मसाला ठंडा हो गया, इहनूं ग्राइंडर विच पावांगे। इहनूं बहुता बरीक नहीं पीना। मसाला साडा पिस गया, ये ज़्यादा बरीक नहीं पीसना, इस करके मैं थोड़ा जिहा इहनूं मोटा रखिया। तेल साडा गर्म हो गया, हुण इहदे विच अहीं आमले पा देंगे। आमले तेल च पा दिते आ, किन्ने सोहणे फ्राई हुंदे पए आ। जदों ये थोड़े जिहे होर फ्राई हो जाणगे फिर इहनां दे विच लून, हल्दी ते मिर्च पावांगे थोड़ी, नाल ही जिहड़े मसाले कुट्टे उह पा देवांगे। आमलिया नूं थोड़ा थोड़ा हिलाउंदे रहना तां कि थल्लों सड़ ना जाण ते सारियां साइडां तों प्रॉपर पक जाण। आमलिया नूं मैं थोड़ी देर ढक लिया सीगा, ढक्कण दे नाल इह हुंदा कि जल्दी सॉफ्ट हो जांदे। तुसीं वेख सकदे हो किन्ने वधिया हो गए आ, कलर किन्ना सोहणा आया आमलिया दा। ते इहनां नूं ज़्यादा भी नहीं गालना हैगा, उह फिर अचार जिहड़ा जल्दी खराब हो जाता। इहनां नूं थोड़ा जिहा खड़ा खड़ा रखणा। चलो देखदे कि आमले गल गए। हाँ बिल्कुल, इन्हां दे विच कड़छी जांदी पई, इहदा मतलब कि गल गए आ। जदों इन्हां दे विच असीं लूण पावांगे ते होर गल जाणगे। हुण वारी इहदे विच मिर्चां पाउण दी। हुण अहीं इहदे विच पाउंदे आ मिर्चां, इह वी थोड़ियां जिहा फ्राई हो जाणगियां नाल ही।
ते नाल ही असीं मसाले पा देवांगे। मोटियां मिर्चां जिहड़ियां जल्दी गल जांदियां, इस करके इन्हां नूं ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो हुण इहदे विच असीं पाउंदे आ मसाले, लूण असीं अपने स्वाद अनुसार पावांगे। वैसे अचार दे विच लूण जिहड़ा ज़्यादा ही हुंदा है, उहदे नाल अचार जिहड़ा खराब नहीं हुंदा। थोड़ी हल्दी पावांगे, थोड़ी कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च नाल रंग बहुत सोहणा आउंदा, अचार वेखण नूं भी सोहणा लगदा। ते नाल ही इहदे जिहड़े मसाले भुन्ने सीगे उह असीं पा देवांगे, ते इहनां नूं कर देवांगे मिक्स। अचार बन के तैयार हो गया, इहनूं असीं चंगी तरह हिला देंगे तां कि इन्हां मिर्चां दे विच वी मसाला जिहड़ा चल जाए ते आमलियां दे वी विच चले जाए। इस करके असीं आमलियां दे विच मोरियां कीतियां सीगियां तां कि मसाला जिहड़ा दे विच आ जाए ते आमले जिहड़े जूसी ते वधिया बणन। सब तो पहला असीं आमले नूं तेल दे विच फ्राई कीता, जदों उह गल गए उस तो बाद इहदे विच असीं मसाले पा दित्ते। मसाले पाउण तो बाद इन्हां नूं चंगी तरह मिक्स कीता। हुण तुसीं वेख सकदे हो साडा मसाला अचार दा मसाला आमलियां ते मिर्चां दे विच चंगी तरह मिक्स हो गया ते साडा अचार जिहड़ा बण के तैयार हो गया। कर दिता बंद अचार, असीं मिंटो मिंट चटपट बना के तैयार कर लिया। तो चलो हुण इहनूं कढ़ने डोंगे विच। जे असीं आमले उबाल के बनावांगे वो अचार जिहड़ा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा क्योंकि उहदे विच नमी हुंदी। इहनूं असीं फ्राई कर लिया, फ्राई करन नाल अचार बहुत सोहणा बन गया। अचार डोंगे विच कढ लिया, तुसीं वेख सकदे हो किन्ना सोहणा लगदा पिया। अचार बन के तैयार हो गया, तुसीं वी इसे तरीके नाल घर बनायो, बना के खायो। तो वीडियो ते कमेंट करके जरूर दस्यो कि आमले दा अचार किस तरह बनया। वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नू लाइक ते शेयर कर दियो ते मेरे चैनल नू सब्सक्राइब कर दियो। तो ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो च एक नवी रेसिपी दे नाल।